सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक दिन के अंदर 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं, वो भी इफेक्टिव वे के अंदर। कुछ ऐसे चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो एक दिन के अंदर 10-10 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, और जिससे आपको कोई भी एनर्जी लेस फील नहीं होगा या फिर कोई भी स्ट्रेस वाला आपको चीज़ नहीं लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वो है डिस्ट्रैक्शन को कम्प्लीटली अवॉइड करना। यस, एक दिन में अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस क्या होंगे, आपका मोबाइल होगा, मोबाइल स्विच ऑफ करना है या फिर छोटा मोबाइल ले लेना है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, आपके जो फ्रेंड्स है, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, सभी को आप बंद कर दो। ठीक है, मतलब जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका मोबाइल नहीं बजेगा, मैसेज नहीं होगा, व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन नहीं होगा, इंस्टा का भी नहीं होगा, और बाकी कोई भी सोशल मीडिया का जो आपको नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। टोटल डिस्ट्रैक्शंस को कम कर देना है। अगर आपको कोई काम है तो उसको भी आप छोड़ दो 10 दिन के अंदर, क्योंकि कैसा है, अगर आपको पढ़ाई करना है, एग्जाम पास में है, 10-10 घंटे अगर पढ़ना है तो वो सारी चीज़ों को दूर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो या फिर घर के अंदर ही आप ऐसी जगह बना सकते हो जहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो विलेज के अंदर होंगे जिनके अंदर लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई स्टूडेंट बोलते कि सर आप रात को पढ़े कि दिन को पढ़े या फिर शाम को पढ़े या सुबह पढ़े, ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा नॉर्मली पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं। शाम को कैसे होता है, हमारी बॉडी ऐसी टायर्ड होती है, थोड़ी थकी हुई होती है, सुबह को फ्रेश होता है माइंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो पाता है। आज हमारा नॉर्मल शेड्यूल है, अगले दिन से ही अगर हम एबनॉर्मल शेड्यूल चालू कर देंगे, थोड़ा अलग ही कुछ, सुबह ही 4 बजे उठ गए, तो फिर वो आपके माइंड के ऊपर असर डालेगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। डायरेक्टली अगर आप करोगे तो फिर आपको नींद आएंगी दिन में, मतलब थोड़ा आपका शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो या फिर घर के अंदर ऐसी जगह बनाओ जहाँ पर प्रॉपर लाइट होना चाहिए, प्रॉपर एयर होनी चाहिए और साइलेंस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है पोमोडेरो टेक्निक। पोमोडेरो टेक्निक क्या होता है, ये पोमोडेरो टेक्निक का कहना है जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, अगर मैं 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाऊँ तो पहले 1 घंटे के अंदर मेरा फोकस बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा आवर है उसके अंदर थोड़ा फोकस कम हो जाता है, तीसरे आवर के अंदर हमारा फोकस और ज़्यादा कम हो जाता है। अब इसके लिए क्या उपाय है, सर को पढ़ाई करना है 45 मिनट्स, 15 मिनट का गैप लेना है, 45 मिनट का आपको पढ़ाई करना है, 15 मिनट का गैप लेना है, तो ये अगर आप करोगे तो आपका फोकस जो है वो 15 मिनट के गैप के बाद फिर से अटेन वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ें काम करती है, आप खुद उसको देख सकते हो आसमां के। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है ट्राई टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स है वो आपको एक पढ़ना नहीं है, दिन में 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करो, जिससे क्या होगा कि आपको अलग अलग चीज़ें समझने में मजा आएगा, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझेगी लेकिन कुछ समझेंगी। ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट करो, उससे क्या होगा डिफरेंटनेस आएगा और आपको बोर नहीं होगा। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्कआउट डेली। देखो, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक मजबूत शरीर के अंदर एक मजबूत मस्तिष्क का वास होता है, मतलब जो मजबूत शरीर अगर आपका है तो मजबूत मस्तिष्क आपका होगा, और अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो समझ लो आपने चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझना सीख लिया। तो इसलिए हमारे बॉडी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेडिटेशन हो चाहे उसके बाद आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हो 1-2 घंटे, या फिर आप जो है वो जिम जा सकते हो, या फिर आप योगासन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपके बॉडी के लिए करना चाहिए हर दिन, जो आपको एनर्जी फील कराएगा। ठीक है, वो एनर्जेटिक आपको रखेगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने फिजिकल जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देना, वो आपको डेफिनेटली इनडायरेक्टली मदद करती है आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको काम करना है, देखो आप 12 बजे आप सो सकते हो, ठीक है, 12 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो, 12 से आप 7-8 बजे उठ सकते हो, नॉर्मल है स्लीप, ठीक है, 7 से 8, ओके, 7 बजे भी उठ सकते हो या फिर 8 बजे भी उठ सकते हो। अब आपको जब आप पढ़ते हो, ठीक है, अब आप लेट नाइट सो रहे हो, मतलब 12 बजे सो रहे हो, आप 7 बजे उठ रहे हो, तो आपका हो गया 7 आवर का स्लीप, लेकिन मुझे आपको बोलना है कि आपको एक्स्ट्रा 1 आवर स्लीप लेना है दोपहर को। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे सुबह से, आप जब पढ़ोगे और जब आपका खाना हो जाएगा, ओके, दोपहर का, तो उसके बाद आप नियर अबाउट 40 मिनट्स या फिर 1 आवर का स्लीप लो, टाइमर लगाओ, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोना है, टाइमर लगाओ, 1 आवर का स्लीप आप ले सकते हो, जो क्या करेगा आपको फिर से एनर्जेटिक फील करेगा, 1 आवर के बाद आपको लगेगा कि दिन अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सो के उठते हो, जब आप दिन में सोते हो, जब सो के उठते हो, देख आप बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा रिचार्ज हो गया है, ठीक है, चार्जिंग हो रहा है, ऐसा लगता है, तो इसलिए वो चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। आपको दोपहर में 1/2 घंटा 1 घंटा 45 मिनट्स तक आप सो सकते हो, उसके बाद फिर से एनर्जी जो है आपको लगेगा कि नहीं वापस आ गया है, फिर से हम पढ़ाई करेंगे शाम तक, और शाम से फिर बाद में सो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यह है मतलब एक पावर नैप जिसको हम बोलेंगे, एक नैप लेना है जो कि पावर नैप कहलाता है, क्योंकि वो आपको पूरा
पावर जो है उसको फिर से रिक्रिएट कर देता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसका इस्तेमाल करके आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल चीज है, आप अपना के देख सकते हो, मैंने भी अपनाया है और मैं भी उसको हर रोज करता हूँ। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।